फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल मैकेनिकल एक्सपर्ट में फ्रेंड्स आज हम लोग सीखने वाले हैं बोल्ट का ऊपर जो नंबर रहता है वो क्या डिनोट करता है और कैसे बोल्ट का स्ट्रेंथ कैलकुलेशन किया जाता है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स हर बोल्ट यानी कि मटेरियल का उसका स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसका एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहता है यानी कि ताकत रहता है लोड को सहनने का अगर बोल्ट को उस अल्टीमेट स्ट्रेन से ज़्यादा लोड दिया जाए तो बोल्ट क्या होगा डैमेज हो जाएगा और टूट सकता है फ्रेंड्स पिक्चर में जो देख रहा है बोल्ट का ऊपर ऊपर में लिखा हुआ है डब्ल्यू जी नीचे में लिखा हुआ है एट पॉइंट एट दूसरा में लिखा हुआ है टेन पॉइंट नाइन तीसरा में टेल्व पॉइंट नाइन ये बोल्ट का ग्रेड होता है जो आई एस ओ सर्टिफाइड ग्रेड है इसमें जो ऊपर में डब्लू जी है वो कंपनी ब्रांड डिनोट करता है और एट पॉइंट एट जो है इसका फर्स्ट डिजिट एट डिनोट करता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को सो so, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला जो है एट इंटू हंड्रेड हंड्रेड से गुना कर देने से इसका स्ट्रेंथ इस निकाल जाता है सो इक्वल टू एट हंड्रेड पर मिलीमीटर स्क्वायर या तो इसको मेगा भी बोला जाता है दोस्तों ये आठ सौ पर मिलीमीटर स्क्वायर ये बोल्ट का कैपेसिटी है यानी कि ये बोल्ट 800 मेगापास्कल से ज्यादा प्रेशर नहीं ले सकते हैं चलिए दोस्तों जान लेते हैं दूसरा डिजिट का क्या मीनिंग है दोस्तों दूसरा दु, दु, डिजिट बोल्ट का ईल्ड स्ट्रेंथ को डिनोट करता है सो यहाँ पे एट है मतलब ये एट्टी परसेंट ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ सो ईल्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होगा इल स्ट्रेंथ इक्वल टू अल्टीमेट टेंशल स्ट्रेंथ इनटू एट्टी परसेंट सो इक्वल टू एट हंड्रेड इंटू एट्टी परसेंट इक्वल टू सिक्स फोर्टी पर मिलीमीटर स्क्वायर और मेगा पसकल बोल सकते हैं दोस्तों हमारा जो अल्टीमेट टेंशल स्ट्रेंथ निकाला है वो एट हंड्रेड है सो so, यह है टोटल कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट और जो ईल्ड स्ट्रेंथ निकाला है वो सिक्स फोर्टी इसका मीनिंग ये है कि हम ये बोल्ट को सिक्स फोर्टी मेगापकल तक प्रेशर दे सकते हैं इतना तक टाइट कर सकते हैं इससे ज़्यादा टाइट करेंगे तो बोल्ट टूट सकता है और डिफॉर्म हो सकता है दोस्तों समझने के लिए हम लोग और एक बोल्ट को कैलकुलेशन करके देख लेते हैं जो नेक्स्ट है टेन पॉइंट नाइन ग्रेड का जो बोल्ट है उसका हम लोग अल्टीमेट टेंसिल निकालेंगे तो उसका होगा टेन इंटू हंड्रेड सो वन थाउजेंड मेगा पसकल सो इसका ईल्ड स्ट्रेंथ होगा नाइन्टी परसेंट नाइन है यहाँ पे सो नाइन्टी परसेंट ऑफ द अल्टीमेट टेंसल स्ट्रेंथ सो हमारा अल्टीमेट टेंसल स्ट्रेंथ कितना निकाला वन थाउजेंड सो वन थाउजेंड इंटू नाइन्टी परसेंट सो इसका होगा नाइन हंड्रेड मेगा पसकल और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर दोस्तों दोनों बोल्ट का स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करने का बाद पता चल रहा है कि जैसे जैसे बोल्ट का ग्रेड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बोल्ट का स्ट्रेंथ भी बढ़ते जाएगा यानी कि यहाँ पे 10.9 ग्रेड का बोल्ट का स्ट्रेंथ 8.8 ग्रेड का बोल्ट से ज़्यादा है दोस्तों तीसरा नंबर 12.9 ग्रेड बोल्ट का अल्टीमेट अल्टीमेटेंशियल स्ट्रेंथ एंड ईल स्ट्रेंथ कितना होगा आप कमेंट करके जरूर बताइए आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को दोस्तों थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक से हमें नया वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलती है चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई